गर्मी के मौसम में पानी जहां लोगों की महत्वपूर्ण जरूरत है, वहीं सादुल शहर के निकटवर्ती गांव में पानी ही सबसे बड़ी समस्या बन गया है। वाटरवर्क्स से सप्लाई होने वाला पानी इतना गंदा और बदबूदार है कि इस पानी को पीना तो दूर, इसके पास खड़ा होना भी मुश्किल है। ग्रामीणों से लगातार मिल रही गंदे पानी की शिकायत पर पंचायत समिति प्रधान परमेश्वरी देवी और ग्राम सरपंच वीरपाल कौर ने अचानक वाटरवर्क्स का निरीक्षण किया तो पाया कि मौके पर वाटरवर्क्स में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है और वाटरवर्क्स की चार दीवारी में आवारा पशु घूम रहे हैं। तो इस पर पंचायत समिति प्रधान परमेश्वरी देवी ने जलदाय विभाग सादुल शहर के JEN को फोन लगाकर समस्या से अवगत करवाया और वाटरवर्क्स की दिशा सुधारने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि पशुओं के लिए बने जोहर और वाटरवर्क्स की डिग्गी में पानी की सप्लाई के लिए एक ही नाला है, जिस कारण जोहर में पूरा पानी भरने से जोहर का पानी नाले के माध्यम से वाटरवर्क्स की डिग्गी में आने लग जाता है और वाटरवर्क्स के फिल्टर खराब होने के कारण वही पानी गंदा पानी बनकर पूरे गांव को सप्लाई हो जाता है। और ग्रामीणों ने यह भी बताया कि वाटरवर्क्स का कर्मचारी अक्सर ड्यूटी से गायब रहता है। सादुल शहर से दिनेश गोयल की रिपोर्ट। हमारे पंचायत गंदरगढ़ा में वाटर की समस्या पिछले 2 साल से चल रही है जी, और कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया है। JEN महोदय आश्वासन देके और दोबारा उसी व्यवस्था में इसको डाल देते हैं। कर्मचारी का तबादला करने के बाद भी वही परिस्थिति है। यहाँ पे आप देखोगे पानी के अंदर अभी कबूतर के बच्चे मरे पड़े हैं और जोड़ का पानी इसमें वापिस जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है, किसी प्रकार हमेशा एब्सेंट रहता है। ताकि सूचना पे मैं यहाँ आई हूँ, मैंने यहाँ की सब स्थिति देखी है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और वाटरवर्क्स की सफाई भी नहीं है, यहाँ कर्मचारी भी नहीं है। जो फिल्टर है उसमें भी बच्चे पक्षियों के बच्चे मरे पड़े हैं। तो कर्मचारी से मैंने बात की है JEN से, तो उन्होंने कहा है कि इसमें साफ सफाई करवाएंगे। तो देखो आप दिशा निर्देश देके हम जो भी कुछ हो सकता है कर लेंगे।